अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं और जब भी नए न्यूज़ अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलो अब शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के क्षेत्र थाना देहात कोतवाली चौकी टिकोरा मोड़ के अंतर्गत संजीवनी कॉलेज के पास दो मोटरसाइकिल आगे पीछे की भिड़ंत में तीन लोग गंभीर रूप से घायल, जिसमें उमेश पुत्र उम्र 28 वर्ष ग्राम पुरोना थाना हुजूरपुर, सर्वजीत वर्मा पुत्र बाबूराम वर्मा उम्र 32 वर्ष ग्राम खारपुरवा थाना फखरपुर व त्रिवेणी प्रसाद पुत्र फुदल्ली ग्राम खारपुरवा थाना फखरपुर घायलों का जिला अस्पताल में भर्ती कर चल रहा इलाज, जिसमें उमेश पुत्र अज्ञात गंभीर रूप की चोटों से किया लखनऊ रेफर। बहराइच से अनिरुद्ध मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बहराइच थाना रामगांव में पीस कमेटी की मीटिंग संपन्न। बहराइच रामगांव में पीस कमेटी की मीटिंग संपन्न। थाना क्षेत्र से ग्राम प्रधान व बीडीसी तथा क्षेत्र के संभ्रमित लोग मौजूद रहे। थाना अध्यक्ष श्री ब्रह्मानंद सिंह ने बताया कि गांव में कोई भी किस्म का झगड़ा वगैरह हो या रास्ते पर, जिसको तत्काल हटाया जाएगा तथा थाना क्षेत्र से आए हुए लोगों को अपने क्षेत्र में शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने की अपील की और यदि किसी व्यक्ति ने गलत अफवाह फैलाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। थाना अध्यक्ष ने यह भी बताया कि थाना क्षेत्र से कुछ गांव में वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी और गलत अफवाह फैलाने वाले पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर क्षेत्र अधिकारी महासी थाना प्रभारी श्री ब्रह्मानंद सिंह तथा दिग्विजय यादव, धर्मवीर सिंह, सुरेंद्र प्रताप सिंह, श्रद्धा वीक्ष सिंह तथा क्षेत्रीय पुलिस मौजूद रही। बहराइच से अनिरुद्ध मिश्रा की रिपोर्ट। झगड़ा कोई करने के सोचे बिना झगड़े से कोई फायदा नहीं है, नुकसान होता है और किसी को फायदा नहीं होता। सारा सब गोड़ ले ने भैया, धान सब ला के लेकिन धान में नहीं, एक लड़का ना जाएगी दाना है भराओ, ये 3 मिनट का काम है। देखो झगड़ा करोगे तो लिखा तो मिले उप जाएगा, पुलिस को तो लिखा नहीं जाएगा, फिर मुकदमा तुम्हें झेलना है। तो झगड़े से कोई फायदा नहीं है, शांति में फायदा है। अब मुकदमा लिख गया तो आप कचहरी जा रहे हैं, वकील कर रहे हैं, सारा पैसा उसमें जा रहा है, बेकार क्या फायदा उससे। उसी दिन लोग काटने लगते, अरे नाम लिख दो पहले, उस दिन काटने लगते हैं, नहीं देखते कि क्या काटना है, पता चला काटेंगे एक बार। मतलब काटने का मतलब साहब ये होता है कि इससे की बात करने का, काटने वाला भी नहीं जाता, नहीं काटेंगे वो कटाने वाला जाता है। उसी में अगर कहीं मान लीजिए चलिए ठीक है, उसमें कुछ लोग